मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नया, एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। आप मुझे बताइए, आपके ये प्रधान सेवक जब ये लूटपाट बंद कर रहा है तो उसके उस अनेक दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जिनका लूट गया वो मोदी के दुश्मन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तब मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? देश के गरीबों की रक्षा कौन करेगा? गरीबों के हक की रक्षा कौन करेगा? मुझे लड़ाई रखनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गरीबों का हक बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लूट बंद करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? भाइयों बहनों, 90,000 करोड़ रुपया जो लूट रहे थे उसको मैंने रोका है। ये 90,000 करोड़ रुपये पहले जिस जिस की जेब में जाता था, जिससे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते थे, बंगले खरीदते थे, हवाई जहाजों में उड़ते थे, अब ये बंद हो रहा है तो उनको मोदी पे गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। जिनकी तिजोरी में गरीबों से लूटा हुआ धन जाना बंद हुआ है, वो मुझसे बदला लेने की फिराक में है। कोशिश करेंगे लेकिन आपके आशीर्वाद से वे सारे विफल होने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आज देश में यही तो हो रहा है और इसलिए तो मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। मैं भी भगवान जगन्नाथ की धरती से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, ये चौकीदार भगवान जगन्नाथ की धरती से कहना चाहता हूं, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। जिस जिसने गरीबों को लूटा है उसे ये चौकीदार सजा दिला करके ही मानेगा।